बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि संसद सदस्यता रद्द हो गई है, महुआ के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रस्ताव पास हो गया और अब संसद सदस्यता रद्द हो गई है महुआ के खिलाफ। महुआ मोइत्रा जो कि कई दिनों से मुश्किल में चल रही है, कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई है। और आपको बता दें कि जो प्रस्ताव था उसको रखा गया था, और सबसे बड़ी बात यह कि अब वो प्रस्ताव पास हो गया है। महुआ के खिलाफ जो रखा गया था प्रस्ताव, वो पास हो गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बीते दिनों सामने आया, जिसके बाद आरोप और प्रत्यारोप के दौर देखने को मिले। 14 अक्टूबर से यह पूरा मामला शुरू हुआ था और यह सिलसिला चलता आ रहा था। महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। टीएमसी की सांसद थी महुआ मोइत्रा, अब संसद सदस्यता खत्म हो गई है, क्योंकि उनके खिलाफ जो प्रस्ताव रखा गया था वो पास हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रही है। और लगातार कई दिनों से महुआ मोइत्रा के सिर पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी, कहा कि उन्हें पैनल मीटिंग में मौका मिला है। इस बीच और ये भी आपको बता दें कि रिपोर्ट में महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश और कानूनी जांच की मांग की गई। इधर टीएमसी ने मांग की कि 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए 48 घंटों का समय दिया जाए। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई थी, 4 मिनट बाद ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी। फिर 12 बजे एथिक्स कमेटी चेयरमैन विजय सोनकर ने रिपोर्ट पेश की। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जो प्रस्ताव उनके खिलाफ रखा गया था वो पास हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि संसद सदस्यता रद्द हो गई है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा गया था वो पास हो गया है, और अब वो सांसद नहीं रही हैं। बड़ी खबर, 14 अक्टूबर जय अनंत देहाद्राई ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महुआ के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराई थी। 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ को संसद से सस्पेंड करने की मांग की। 17 अक्टूबर लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को शिकायत सौंपी थी। महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की। 18 अक्टूबर लोकसभा ने निशिकांत दुबे को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। 19 अक्टूबर बिजनेसमैन दर्शन ने एफिडेविट में कहा कि महुआ ने उन्हें अपना पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी भी दिया था। महुआ का आरोप दर्शन के सिर पर बंदूक रखकर एफिडेविट साइन करवाए मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। निशिकांत दुबे का दावा, महुआ की संसदीय आईडी दुबई में खोली गई और जबकि वो खुद भारत में थी। 27 अक्टूबर महुआ ने एक टीवी इंटरव्यू में माना था कि उन्होंने दर्शन से गिफ्ट लिए और उन्हें संसदीय लॉगिन पासवर्ड भी दिए। 28 अक्टूबर को कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। 31 अक्टूबर महुआ का आरोप, मुझे फोन ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया और केंद्र सरकार फोन हैकिंग की कोशिश कर रही है। ये पूरा मामला आपको तारीख दर तारीख बता भी रहे हैं कि आखिर कब क्या हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि संसद सदस्यता अब रद्द हो गई है महुआ मोइत्रा के लिए, अब मुश्किल की बात। पवन गौर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी आपके पास? कि आज पहले जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी उसको संसद के लोकसभा में उसको टेबल किया गया, उसके बाद में उस पर चर्चा हुई, और चर्चा करने के बाद में ये जो प्रस्ताव है वो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा रखा गया महुआ मोइत्रा को के निष्कासन को लेकर, और वो पूरे सदन ने उसको पास किया गया। तो अब उसकी महुआ मोइत्रा की सदस्यता है उसको फिलहाल जो रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एथिक्स कमेटी की अगर सिफारिशों की बात करें तो उसमें ये कहा गया कि महुआ मोइत्रा ने अपनी जो लॉग इन आईडी है वो दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा की, जो कहीं ना कहीं उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कहीं ना कहीं उसको ये ब्रीच ऑफ ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला कहीं ना कहीं बनता है। इसके साथ साथ पैसे के मामले, पैसा
और उपहार लेकर सवाल पूछने के मामले में भी उनको दोषी पाया गया। और लगातार जो जो कमेटी की सिफारिश थी उसमें ये बताया गया कि कहीं ना कहीं इनका जो मामला है कैश फॉर क्वेरी, उसमें भी दोषी इनको पाया गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो कमेटी की जब बैठक थी इस पूरे मामले पर, जब जो एथिक्स कमेटी है उसकी बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं सांसद दानिश अली का जो आचरण था वो जो कमेटी के जो जो मेंबर थे उसके प्रति ठीक नहीं था। तो इन सब विषयों को लेकर जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी उसको टेबल किया गया। और आज जो जब जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये पूरा मामला जब प्रस्ताव जब उठाया संसद के अंदर, तो आज प्रस्ताव को पास कर और अब फिलहाल जो महुआ मोहित्रा है टीएमसी सांसद, उनकी जो उनको लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया है। अब जिस तरीके से अब उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई है पवन, आने वाले समय में टीएमसी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? देखिए टीएमसी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला था कहीं ना कहीं, चूंकि आपको कई सारी बातें संवैधानिक तौर पर आपको उनका मर्यादा का ध्यान रखना होता है। जब आपको आपको जब लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद बनते हैं तो आपको एक आईडी तैयार की जाती है, आपको उसका पासवर्ड या उसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दी जाने, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, आप किसी को बताते नहीं है, आप अपने मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे उनके द्वारा उस आईडी के द्वारा आप उठाते हैं संसद के पटल पर, लेकिन ऐसे में अगर आप किसी दूसरे के साथ ये सब साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं आप जो पूरी जानकारी है संसद की जो गोपनीयता है उसकी जो आप शपथ लेते हैं उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे होते हैं। तो ये पूरा मामला जो है ये उससे जुड़ा हुआ मामला है, और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं बहुत कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा सरकार से की जाती है। तो ऐसे में जो जो कमेटी है उसकी सिफारिश उसके द्वारा ये सिफारिश की गई है, जब उस कमेटी ने जब टेबल रिपोर्ट टेबल हुई तो उसमें बताया गया कि एक तो उनको जो सदस्यता है उससे उनको बर्खास्त किया जाए, और साथ ही साथ सरकार जो है पूरे मामले की जांच कर इसमें कड़ी कार्रवाई करे। तो ये दोनों ही चीजें उस कमेटी की रिपोर्ट में थी। उसके बाद में जब कमेटी की रिपोर्ट को टेबल किया गया, हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा ये मामला उठाया गया कि सरकार इतनी जल्दी में क्यों है, सरकार पूरी रिपोर्ट पर 2-3 दिन चर्चा कराए, आराम से पूरी रिपोर्ट पर चर्चा हो, अभी सबने ये रिपोर्ट पूरी तरह पढ़ी नहीं है, उसके बाद में इस पर मतदान कराया जाए, इस पर वोटिंग कराई जाए। लेकिन सरकार ने कहा कि चूंकि ये सबके पास रिपोर्ट पहले से है तो रिपोर्ट पर टेबल करके 2 घंटे का समय दिया गया, 2 घंटे में इसमें पूरी चर्चा की गई सदन के अंदर, उसके बाद में जो पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता। पंकज जी, ये एक्शन एक तरह से हम कह सकते हैं संदेश है, नजीर के तौर पर भी इसे देखना चाहिए कि कोई भी अगर गोपनीयता का उल्लंघन करता है, जो शपथ लिया जाता है सांसदों की तरफ से एक गरिमा होती है पूरे सदन की, अगर उसको कोई ताक पर रखकर कुछ करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए अवंतिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विषय किसी व्यक्ति का नहीं है, विषय संस्था का है, वो भी देश की संसद का, भारत की संसद का, विषय देश का है। और यदि देश की संसद से जुड़े विषय और देश की संसद से जुड़ी लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को शेयर किए जाए और उसकी प्रॉपर एक एथिक्स कमेटी बने जिसमें पक्ष के प्रतिपक्ष के सभी लोग सम्मिलित हों, जिसकी रिपोर्ट सदन में टेबल की जाए, सदन में उस पर बराबर चर्चा की जाए, और चर्चा करके देश की सदन का निर्णय, तो जो देश की सदन का निर्णय है उसे दल का निर्णय के आधार पर निरूपित यदि कोई करता है तो वो मुझे लगता है कि राजनीतिक विवेक का परिचय नहीं होगा। और हम सबको इस बात पर एकमत होना चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक धारा विचारधारा द्वितीयक है, प्राथमिक है हमारे देश की मान सम्मान अस्मिता और स्वाभिमान। बिल्कुल, जेपी धनोटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के प्रवक्ता। जेपी धनोटिया जी, महुआ मोहित्रा के लिए तो अब मुसीबत की घड़ी है, संसद सदस्यता उनकी रद्द हो गई है, लेकिन एक्शन भी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जो गोपनीयता और एक जो गरिमा होती है सदन की, जो शपथ लिया जाता है उसको ताक पर रखकर जो उन्होंने शेयर किया लॉगिन आईडी पासवर्ड, एक तरह से वाकई में ये बहुत बड़ी गलती, और इसका किस तरीके से अब इनको सजा भुगतना पड़ेगा देखिए क्या कहेंगे। जिस तरह से जो निर्णय हुआ है वो तथ्यों के आधार पर हुआ है, और तथ्यों की पूर्ण जानकारी इनको स्वयं के अलावा किसी को नहीं मालूम है। तो महुआ मेहता की जो अपनी एक स्थिति है, मैं समझता हूँ कि कानून की प्रक्रिया में होना चाहिए, पर मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या बड़े सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक बदले की भावना करना चाहिए, और महिला होने के नाते उनको इस बात का एक लाभ दिया जाना चाहिए था। अगर ऐसी बड़ी सूचना उनकी लीक नहीं हुई है तो मैं समझता हूँ कि उनको पेनल्टी जगा के माफ कर देना चाहिए था, एक सत्र के लिए पूरे सदस्य समाप्त कर देना। अब आई थिंक मैं एक मतलब महिला के साथ अत्याचार करने वाली बात नहीं, लेकिन जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी उसमें तो ये बाकायदा इस बात को बताया गया ना, दर्शाया गया ना कि वो यहाँ पर थी और दुबई में कोई उनकी आईडी लॉगिन कर रहा था। तो क्या ये गोपनीयता जो सीक्रेसी सांसद और विधायकों को दी जाती है, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, क्या वो शेयर करने के लिए होता है? जेपी जी,
आईडी से लॉगिन होने से क्या क्या नुकसान हुआ है या कौन सी जानकारी गई है उसकी जांच करना चाहिए। हो सकता है और ज्यादा जानकारी चली गई हो सकता है बड़ा कोई नुकसान हो गया हो, इसलिए मतलब पूरी जांच होने चाहिए। कमेटी ने जांच की है तो कमेटी के निर्णय को भी चैलेंज तो नहीं कर सकते हो, कमेटी का निर्णय तो मेहरोत्रा जी करेंगी जो उन्हें करना है। मैं समझता हूँ कि निर्णय ये तो पूरा निर्णय पढ़ा दी जाए, कमेटी की रिपोर्ट दी जाए, कोई भी इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। लेकिन महिला होने के नाते वो सहानुभूति की बात रखनी और वो कम से कम सहानुभूति के प्रति रखना चाहिए। चलिए जी पिथंडे जी, आपकी अपनी बात है, शुक्रिया बातचीत के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया था जो वो पास हो गया है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की मुखर नेता रहे और साथ ही वो पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से जीती थी, जिसके बाद वो सांसद बनी, लेकिन अब वही संसद सदस्यता रद्द हो गई है उनकी। महुआ ने 2008 में राजनीति में उतरने के लिए एक प्राइवेट क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और इसी के बाद धीरे धीरे उनका पद आगे बढ़ता चला गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए